अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हमेशा आप सबके लिए वीडियो के शुरू में यही दुआ करता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं, अल्लाह ताला ने एक सेहतमंद साल औलाद दे। तो कैसे हैं आप? तो साकिब भी मेरे पास पहुँच चुका है। सुबह सवेरे हल्की हल्की धुंध मौजूद है, तो आज हम आपसे सुबह का नाश्ता नए तरीके से शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। जो हमारे सुबह के मामूलात के काम होते हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, लाइक भी करें और वीडियो जैसे शेयर किया करें। तो आइए चलते हैं, बेगम साहबा भी मशगूल हैं काम में, तो आज का शानदार नाश्ता आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो बकरियाँ बाहर भी हेल्प कर रहा है, ख्याल करना आराम से। मैंने ये बकरी बांध दी है, जानवरों का दूध निकाल रहे हैं तो मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, बाद में खाना बनाते हैं। अब माशाल्लाह से बड़ा हो गया है हमारा कट्टा, क्योंकि दूध इसको आधे से भी ज़्यादा दूध हम इसको पिलाते हैं, क्योंकि मैंने इसको शौक से पालना है। मेरा एक ख्वाब था भाई ये कट्टा हो, उसको बड़ा बनाऊंगा, भैंसा, फुल भैंसा जिसे कहते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो मेरी ड्यूटी चाय पे लगा दी है बेगम साहबा ने, क्योंकि ये जो सिलेंडर है तो वो जल्दी से उधर अपना रोटी बना लेंगी, मैं इधर चाय बना लूँगा भैंस के दूध की। तो सुबह सवेर का टाइम है ऐसे समझ लें, तो थोड़ी ही देर में चाय बनने वाली है। साकिब और बेताबी से देख रहे हैं। हाँ, सर्दी लग रही है, अभी इन्होंने स्कूल के लिए रेडी होना है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन अब जब जानवरों के पास था तो उस वक्त ठंड थी, अब जो है ना ऐसे समझ लें कि टेम्परेचर मिल रहा है मुझे भी। जल्दी से बना लें बेगम से। तो आप देख सकते हैं चाय तैयार हो चुकी है और बेगम साहबा ने रोटी भी बना ली है। रोटी इधर क्यों नहीं बना सकते हम, खुश्क हो जाती है रोटी, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होता है। तो इसको बंद कर दूंगा, नहीं है तो रोटी का गैस की रोटी पकड़े खाने की, उसका जायका भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो लकड़ी की आग की रोटी, सुभान अल्लाह। तो मैं थोड़ा चाय का टेस्ट करूँगा, बिस्मिल्लाह।
साकिब और जैद तो हाँ, एक और चीज भी मैंने आपको अभी दिखानी है, मैं थोड़ा चाय का टेस्ट कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत चाय बनी है। अपनी तारीफ आप कर रहे हैं? अपनी तारीफ नहीं, चाय भैंस के दूध की चाय है, ऐसी बात नहीं, और बनाई भी मैंने है, डेली मैं बनाता हूँ। तो ये देखिए जो चीज हम आपको दिखाना चाहते थे, हमारी भैंस की दही, दूध की दही, भैंस की दही नहीं, दूध की दही। तो अब हम इससे नाश्ता करते हैं, दही से। साकिब और जैद भी शौक से खाते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये विलेज में, देहात में आपको तकरीबन हर जगह मिलेगी, मुयस्सर होगी। और इसका नाश्ता सुभान अल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होता है। तो बच्चे भी शौक से खा के जाते हैं साकिब और जैद। ये ले साकिब, हाँ जुहेब पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो। सुभान अल्लाह, दही का नाश्ता तो क्या ही बात है। अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी जाना है। ये देखिए ये तोड़ी मैंने नीचे बखेर दी है, आप जो है ना थोड़ा टोका करूँगा, क्योंकि जानवरों को भी तो नाश्ता कराना है, हमने तो कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर्दियों का नरम चारा भी तैयार हो गया है हमारा, सरसों का, ये देख सकते हैं। हम भी आपको वो रेसिपी भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बकरी को ऐसे डाल दिया है, बकरे तो काफी हो या नहीं खाती घास। नीचे भी डाला हुआ है, उधर से खाओ ना। तो जानवरों को चारा भी डाल दिया है, सूरज भी निकल आया है ज़मीन से ऊपर, आप देख सकते हैं। तो अभी भी थोड़ी थोड़ी धुंध मौजूद है सुबह के टाइम, तो हमने अपने काम कंप्लीट कर लिए हैं सुबह के जो औकात के होते हैं, नाश्ता भी कर लिया है, जानवरों का काम भी, दूध भी निकाल लिया है, हमारे सुबह के औकात के ये काम होते हैं। अब सर्दियां आएंगी तो थोड़े चेंज होंगे, क्योंकि इसमें चारे के लिए और धुंध में बहुत मुश्किल होती है, नाश्ते के लिए सुबह बाहर फिर अंदर चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी,
तो मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक सेहतमंद साले औलाद दे। जो मज़दूर लोग हैं पूरी दुनिया में, घर से बाहर रहना बहुत कठिन होता है, तो अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और जो स्टूडेंट मेरे दोस्त मेरे बहन भाई सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ दोबारा, उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।